हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हैशटैग क्रिएटिव आरती पोरवाल में। दोस्तों, मैं हूं आरती और आज हम बात करेंगे नीट 2021 की। जी हां दोस्तों, जो बच्चे नीट 2021 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के वीडियो में नीट 2021 के एग्ज़ाम डेट की, रजिस्ट्रेशन की, सिलेबस, पैटर्न, इन सब की सारी संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों, आपको बता दूँ कि NTA और जो स्वास्थ्य मंत्रालय से जो बातचीत हुई है HRD मिनिस्टर की, उसमें क्या निष्कर्ष निकाला गया नीट 2021 को लेकर, ये सारी महत्वपूर्ण बातें आपको बताई जाएंगी। लेकिन उसके पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं मेरे चैनल पर, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। और उसके आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं। दोस्तों, NTA जो नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, उसने क्या नोटिस निकाला है कि नीट के एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम है वो किस महीने में कौन सी डेट को होगा, रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होंगे, ये सारे क्वेश्चंस जो भी बच्चे नीट 2021 की तैयारी कर रहे हैं बहुत परेशान हैं कि HRD मिनिस्टर ने अभी तक क्यों नहीं अनाउंस की है नीट 2021 की डेट, तो ये सारी बातें आज डिस्कस होंगी। दोस्तों, आपको बता दूं, NTA कंडक्ट्स नीट फॉर एडमिशन टू MBBS, BDS, आयुष, वेटनरी एंड अदर मेडिकल पैरामेडिकल कोर्सेज इन इंडिया। द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट इज द सोल एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू MBBS एंड BDS। और आपको ये भी बता दूं, अब एम्स और जिपमर भी इसी नीट के जरिए होता है। तो नीट 2021 के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आर एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज्ड एनी टाइम सून इन द थर्ड वीक ऑफ फेबररी। ये नोटिस आई है कि थर्ड वीक ऑफ फेबररी से नीट के जो रजिस्ट्रेशन है स्टार्ट हो जाएंगे और किसी भी समय इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकते हैं। नोटेबली, एम्स एंड जिपमर MBBS एग्जाम्स हैव बीन डिसकंटिन्यूड एंड नाउ द एडमिशन टू बोथ दीज इंस्टीट्यूट आल्सो हैपन्स थ्रू नीट। और आपको ये भी बता दूँ कि 2 फरवरी को जो डेट शीट आई थी क्लास 10th और 12th की, तो इट वॉज स्पेकुलेटेड डेट NTA अलॉन्ग विद एजुकेशन मिनिस्ट्री में अनाउंस नोटिफिकेशन रिगार्डिंग नीट 2021 डेट्स, बट नो सच अनाउंसमेंट वॉज मेड बाई द NTA। अर्लियर इट वॉज एक्सपेक्टेड द एजुकेशन मिनिस्ट्री माइट प्रोवाइड सम क्लियरिटी ऑन नीट 2021 डेट्स एंड सिलेबस इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फेबररी, बट नथिंग हैज़ हैपन येट। तो दोस्तों, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब जैसा कि आपको मालूम है कि नीट 2021 का एग्ज़ाम 2 बार होगा, ये अनाउंस हो चुका है। NTA हैज़ अनाउंस द डेट्स, JEE मेन्स के लिए भी उसने डेट अनाउंस कर दी है। तो जो क्लास 12th के एग्ज़ाम है बोर्ड के, वो लास्ट वीक ऑफ जून में 10 जून को ख़त्म हो जाएंगे। तो लास्ट वीक ऑफ जून में नीट 2021 का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया। तो दोस्तों, आपको ये बहुत बड़ी न्यूज़ आई है कि अकॉर्डिंग टू द रेगुलर शेड्यूल ऑफ नीट, इट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट नीट 2021 एग्जाम विल टेक प्लेस इन द लास्ट वीक ऑफ जून आफ्टर द क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम। तो अगर एक एग्ज़ाम ये जून लास्ट में होगा तो 2 बार होना है, जैसा कि आपको मालूम है। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑन February 8 गेव दिस नोट दैट ट्वाइस एग्ज़ाम देन इशू विच आर पेंडिंग आर कंसिडरेशन एज पर द रिक्वेस्ट फ्रॉम द नीट एस्पिरेंट सच एज इंट्रोडक्शन ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड। तो ये डिस्कस होना बाकी है, हालांकि मीटिंग हो चुकी है एजुकेशन मिनिस्ट्री की NTA के साथ, लेकिन ये डिस्कशन जो हुआ है, इसका जो डिसीज़न है वो सामने अभी नहीं आया है, ये अभी सबके सामने घोषित नहीं किया गया है। तो ऐसा सोचा जा रहा है कि जो 2 बार एग्ज़ाम होना है, एक डेट जून लास्ट में और अगली जुलाई में हो सकता है। तो दोस्तों, जो एक्सपेक्टेड डेट है इसकी, ये 20 जून और 11 जुलाई ऐसी सोची जा रही है। नीट 2021 इज़ एक्सपेक्टेड, आपको बता दूँ, लास्ट वीक ऑफ जून में एक एग्ज़ाम हो जाएगा और एक जुलाई में। तो आफ्टर द एग्जामिनेशन इज हेल्ड, कैंडिडेट विल बी एबल टू डाउनलोड प्रोविजनल आंसर की ऑफ नीट 2021 इन द लास्ट वीक ऑफ जून। द रिजल्ट ऑफ नीट 2021 इज एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज्ड सून एज द एग्ज़ाम विल बी फिनिश्ड। सो बोथ तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सिलेबस, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। सिलेबस कोई चेंज नहीं होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही रहेगा जो पहले था, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो नीट के एग्जाम में खाली 2 ही बातें बची हैं, एग्जाम डेट डिसाइड होना और रजिस्ट्रेशन का आना, बाकी सिलेबस जो है पूरा आएगा। पैटर्न चेंज हो सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उसमें चॉइस आ सकती है, 180 की जगह 210 क्वेश्चन हो सकते हैं,
और दूसरा ऑनलाइन और ऑफलाइन में बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो दोस्तों बच्चों को बता दिया गया है कि एग्ज़ाम बच्चे जैसा कि ऑफलाइन मोड में ही चाहते हैं, तो जहाँ तक नीट 2021 का जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड में ही होगा और एक एग्ज़ाम जून में और दूसरा एग्ज़ाम जुलाई में हो सकता है। तो दोस्तों अभी तक यही न्यूज़ निकल कर सामने आई है नीट 2021 को लेकर। तो ये पूरा वीडियो था, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।